राम राम दोस्तों, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज चौहान ब्लॉग में। और दोस्तों, ये रहा चिराग। चिराग हाय बोल दो पहले। हाय। और मैं और चिराग जो है कर रहे हैं लंच। बज रहा है एक और मैं और चिराग देखिए लंच कर रहे हैं। लंच में क्या कर रहे हैं दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, आज बनाए हैं एकता ने मटर पनीर और चावल। ये देखिए। और दोस्तों, कल बनाई थी एकता ने मटर पनीर, तो वो बच गई थी। तो एकता को मैंने कहा, मैंने कहा मटर पनीर की सब्जी बची हुई है, उसी में चावल डाल लेते हैं, टेस्टी लगेगी। और ये देखिए, हमने जो है मटर पनीर की सब्जी में चावल डाल लिए हैं। तो दोस्तों, आ जाइए आप भी कर लीजिए लंच कर लीजिए। और ये रखा है देखो, चिराग का भी रखा है लंच। और ये रखिए प्याज, और ये रहे चावल, क्योंकि चावल के साथ प्याज बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं लंच। नहीं, पनीर अच्छी लगती है। अच्छा, पनीर अच्छी लगती है। चिराग कह रहा पनीर अच्छी लगती है। तो दोस्तों, करते हैं लंच, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखो भाई, कहाँ चढ़ गया चिराग। चिराग चोट लग जाएगी। ये मान ऊपर नहीं चढ़ते, चोट लग जाएगी। और भाई, ये कपड़े सुखा रही है एकता, और धूप आ रही है तेज, जल्दी जल्दी कपड़े सूख रहे हैं, है ना एकता? और भाई, हमने टीवी रखा हुआ है धूप में, क्योंकि इस टीवी में आ रही है आवाज़, झिरझिर की आवाज़ आ रही है, जो आती है ना पीछे, झिरझिर ख़राब सा हो जाता है, क्योंकि इसमें सीलन आ गई है। सीलन के कारण जो हमने धूप में रख दिया है, धूप में रखने से इसकी सीलन चली जाती है और ये हो जाता है ठीक, है ना एकता? ठीक हो जाता है ये। हाँ, तो इसलिए रख दिया हमने धूप में। ये ले। और ये देखिए, चिराग भी जो है अपनी मम्मी की हेल्प करा रहा है। ये देखिए, हाँ, कपड़े रख के भी आता है अंदर, और कपड़े सुखवाता भी है। ये देखिए, पलंग पे भी कपड़े डाले हुए हैं, क्योंकि जगह कम है, रस्सी छोटी पड़ जाती है, तो थोड़े बहुत कपड़े जो हमने यहाँ डाले हुए हैं पलंग पे। मम्मी हैं, अभी डाले तो जल्दी जल्दी सूख रहे हैं। हाँ, तो धूप में जल्दी जल्दी सूखते हैं ना, सर्दी में दिक्कत पड़ जाती है कपड़ों की ना।